असल नाजीन वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाई पैथेटा स्पाउट बाई स्पार्क स्मार्टफोन एंड ब्रॉट्यू बाई जमीन डॉट कॉम छठा टाकरा आज न्यूजीलैंड और नैदरलैंड के दरमियान देखा गया और आज भी न्यूजीलैंड की जानव से यकीनी तौर तो पर कोशिश की गई कि बड़े मार्जिन से मैच जीता जाए बट नाइन्टी नाइन रन से ये मैच उन्होंने अपने नाम किया और उसकी बड़ी वजह ये थी कि एकरमैन की जानब से अच्छी आज बैटिंग की गई नदरलैंड की जानब से विक्रमजीत सिंह की जानब से हमें आ, था एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे मगर उस तरह से नहीं चल सके बजाय इसके कि उनका एक कैच भी आगाज़ में ही मैच के ड्रॉप हुआ तो आज का ये दूसरा मैच भी यानी न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया पहले इंग्लैंड को शिकस्त दी और आज नदरलैंड से भी वो जीत गया है हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं सबक कप्तान सलीम मलिक साहब और सबक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रौफ साहब सलीम भाई न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड आज भी वैसे नेदरलैंड ने हमने देखा कि जान मारी यानी वो वाली टीम जो कि छत्तीस इशारिया दो ओवर्स के अंदर इंग्लैंड के उन्होंने अच्छा खासा फेंटा लगाया उस दिन और हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड और ऐसे लग रहा था कि अगर ये पहले खेलते तो चार स्कोर भी न्यूजीलैंड की टीम कर जाती बट उस टीम को उतना स्कोर ना करने देना तीन कुछ स्कोर पर उनको बाउंड कर देना काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उस हिसाब से देखें आज की हम सुबह भी हमने ये बात की थी आज की विकेट और उस विकेट में बहुत फ़र्क था तो, उस उस पिच पे बैट पे बॉल आ रही थी आज इस किस्म की शुरू में अगर आप देखें पहले तीन ओवर उन्होंने मेडिन ओवर खेले क्यों इसलिए कि वो इस चीज़ से डरे थे कि अगर विकेट्स गिर गई तो हम आ, इतना लंबा स्कोर नहीं कर सकेंगे और मेरा ख़्याल में न्यूजीलैंड बहुत सेंसिबल खेली कि उन्होंने पहले विकेट को चेक किया कि क्या इस पर कितना टर्न है क्योंकि अच्छी टीम हमेशा विकेट को देखने के बाद डिसीजन करती है उन्होंने पहले तीन चार छः ओवर तक कितना कोई खास स्कोर नहीं था उन्होंने विकेट रीड किया उसके बाद फिर उन्होंने जो कहते हैं ना पे पर फ्लाइट पकड़ी और तीन सौ बाईस और तीन सौ बाईस ऐसी टीम ऐसी टीम के खिलाफ मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्कोर था क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद देखें हर वो टीम जो इतनी स्ट्रांग नहीं है उसके लिए बड़ी ही उसकी खुशकस्मती होती है कि वो टॉस जीत जाए और उनके पास एक चांस होता है कि ड्यू फैक्टर में वो उससे उसका फ़ायदा उठाएं मगर आज की ग्राउंड में इतना ड्यू फैक्टर नहीं हुआ जितना कि कल इंडिया के ख़िलाफ़ आपको नज़र आया था तो ये मेरे ख़्याल में उन्होंने जो थ्री ट्वेंटी स्कोर किया आप देखो जो नदरलैंड की टीम है इनमें हर रोज़ हर मैच में आप देखिएगा कि एक आध बैट्समैन स्कोर करता है कंसिस्टेंट दो तीन प्लेयर जिस दिन उनके स्कोर करेंगे उस दिन वो अच्छी टीम को भी हराएंगे क्योंकि वो स्कोर रीचेबल होता है एक टाइम पे लगता है कि ये चेज़ करने जा रहे हैं पर सडनली उनकी विकटें हर थोड़े वक्फे वक्फे से गिरती रहती हैं जिसकी वजह से वो चेज नहीं कर पाते आज भी वो लग रहा था कि बड़ा अच्छा उनका रिदम जा रहा है पर मगर साथ उसकी विकटें गिरती रही हैं हाँ। तो ये जिस दिन ये तीन दो तीन प्लेयर देखें आ, उनके आ, डिलीड ने स्कोर पिछले मैच में किया आज वो नहीं कर सका हर ने हर दिन आपको नया एक बैट्समैन उनका स्कोर करता हुआ नज़र आता है तो ये जिस दिन आ, आ, एक टीम एफर्ट नज़र आएगी ना आपको किट्ठे दो तीन यानी पार्टनरशिप नजर आएगी तो फिर पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते हैं मगर चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है उतनी स्ट्रांग बॉलिंग जो मैच खेल के जीत के आए हैं जो क्वालिफाइंग करने के लिए उसमें शायद इतनी स्ट्रांग टीमें नहीं थी नहीं। थी एक दो मगर इन तो देखें हर बंदा प्रोफेशनल हर लाइन पे बॉल करता है और आपको वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ का भी पता है तो वहाँ आके ये थोड़ा सा फंस रहे हैं मगर बात उधर ही है कि ये दो तीन स्कोर करेंगे जिस मैच में उस मैच में आप फ़र्क देखिएगा दूसरी टीम को ले जाएंगे कोई अच्छी टीम को भी अच्छी टीम को भी अच्छा अब दूसरी तरफ के बॉलिंग की बात करें न्यूजीलैंड की जानब से सेंटर ने आज पांच विकेटें ली हैं स्कोर आखिरी ओवर्स में जा उनको पड़ा लेकिन उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग यानी बॉल सेकेंड इनिंग में आज हमने देखा कि अच्छा टर्न हुआ है जी बिल्कुल और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आस्ता आस्ता ये 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 जो पिचें अपना बिहेवियर चेंज करेंगी और आपको बाद मैच में जो आगे आते जाएंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि स्पेन बॉलर ही अटैक कर रहे हैं जिस तरह आज नदरलैंड की जानब से भी हुआ है और जो न्यूज़ीलैंड की टीम है उन्होंने भी जल्दी स्पेन बॉलिंग इंट्रोड्यूस करवाई है और सेंट्रल जो है वो सबसे बेसिक मेरा मेजर बॉलर है न्यूज़ीलैंड की स्पेन बॉलिंग अटैक में और वही इनको लीड कर रहे हैं और बड़ा अच्छा न्यूज़ीलैंड के लिए खुश आइंदा है कि वर्ल्ड uh, कप के अर्ली राउंड्स में ही वो अपना उसमें फार्म में वापस आए और पांच विकेट उन्होंने लिए हैं मगर जो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है उन्होंने अभी तक फरगोसन को तो डेफिनेट शामिल किया अपनी टीम में मगर सोडी को अभी तक उन्होंने टीम में शामिल नहीं किया क्योंकि ये जो विकटें हैं इंडिया के पिचेज हैं इसमें मेरा ख्याल है कि जिस टीम का स्पिन बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग होगा वो आगे जाकर ज़्यादा सक्सेसफुल होगी यही वजह है कि जो ये टीमें हैं जिस तरह न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका है इनसे हम हर टूर्नामेंट के शुरू में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम बांध लेते हैं कि ये टूर्नामेंट जीत जाएंगी या बड़ा अच्छा फिनिश करेंगी मगर ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं Uh, कि इनके पास ऐसे मच्योर स्पिन बॉलर्स हैं नहीं इनकी नो no डाउट के जो तीन ही टीमें ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड है इनका फास्ट बॉलिंग अटैक एक्सेप्शनल है मगर जो पिचेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट स्पिन बॉलिंग है जिस टीम का स्पिन बॉलिंग अटैक स्ट्रांग होगा और वो अपनी फास्ट बॉलिंग को मदद करेगा वो टीम एंड पर ज़्यादा सक्सेसफुल होगी बड़ी टीमों के खिलाफ यही वजह है कि मैं आज सरप्राइज हुआ हूँ कि आज जो स्पिन एक ट्रैक था मगर उसमें सोडी को इन्होंने नई टीम में सेलेक्ट नहीं किया और फिर गोसन को रखा जो कि फास्टेस्ट बॉलर नो डाउट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है मगर जब तक आप अपने जो मेन स्पिन बॉलर हैं उनको एक्सपोजर नहीं देंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा बड़ी टीम को जीतना। जा के खिलाफ इन कंडीशन में जाके आपको एक्सपोजर देने की जरूरत है जहरा कंडीशन डिफरेंट होती हैं तो वहां पर यूज टू हो जाएंगे तो फिर अगले मैचेस में भी ज्यादा फायदा उसका हासिल कर सकेंगे मैट हंडी ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है लेकिन रचिन पे आ जाते हैं जरा कि न्यूजीलैंड की तरफ से तीन प्लेयर्स ने 50 बनाई है और पहले मैच में अच्छी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी नॉक खेलने वाले रचिन सचिन तेंडुलकर राहुल ड्राविड पे जिनका नाम रखा गया उन्होंने भी आज फिफ्टी की है उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है तो एज अ ऑलराउंडर ये नहीं सिर्फ कि उन्होंने बैटिंग की है तकरीबन आई थिंक दो विकेट लेने कामयाब हुई है वो ये, दूसरी दो वाली, दो वाली वो नो बॉल हो गई नो बॉल हो गई थी जो कि मेरा ख्याल में नो बॉल नहीं थी वो बहुत से लोगों के मुताबिक नहीं थी एक डिफरेंट एंगल से जब उसको देखा देखें इस मैच में वो कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है सौ किया फिर पचास किया है मगर एक चीज़ जो देखने वाली है पांच आउट दूसरे बॉलर ने ज़रूर किए हैं मगर बॉलिंग इसकी अगर आप देखें तो इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है रविंद्रा ने बहुत अच्छी ए, उससे बेहतर बॉलिंग की है मगर बेडला के इसको आउट विकेट्स नहीं, नहीं, नहीं मिली नहीं मिली मगर राउफ इसने इसने कम स्कोर दिया और इसका टर्न भी ज़्यादा हुआ है तो मेरे ख्याल में उस उसकी और इसमें फ़र्क ये था कि इसको अगर मार अगर चौका या छक्का लगा ना तो इसने अपनी लाइन नहीं छोड़ी उसको मैं देख रहा था कि उसको एक उन्होंने मिडाउन पे छक्का मारा उसके बाद उसने पिछला बॉल पाँव में मारा तो ये एक अच्छे बॉलर की निशानी होती है जो प्रेशर में जब थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो वो अपनी लाइन नहीं छोड़ता तो अगले मैचों में हम गो के उसने पाँच आउट किए हैं मगर ये ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहा है रविंद्रा रविंद्र रविंद्रा बैटिंग तो वो कर ही रहा है तो ये और आने वाले दिनों में ये इंपैक्ट प्लेयर के लिए भी रविंद्र नाम आज लिया था मैंने लिया था आपने लिया, आप था।, आपने लिया था और वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं मगर बात ये है कि ये देखें बड़ा प्लेयर वही होता है जो कंसिस्टेंट हो तो ये वो वाहद प्लेयर है जो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अच्छा बैट्समैन साबित होगा अच्छा बैट, अच्छा। साबित हो सकता है और साथ ही साथ एक अच्छा स्पिनर भी ऑलराउंडर स्पिन, अच्छा ऑलराउंडर जो है वो रचन रविंद्रा साबित हो सकता है मैट हेनरी ने आज तकरीबन साढ़े आठ ओवर खिलाए और 40 स्कोर उनको पड़ा तीन विकेट ने में वो भी कामयाब हुए आज स्पिनर्स को तो आपने जिस तरह से कहा कि काफी फेवर किया है ने विकेट ने लेकिन फास्ट बॉलर्स को भी क्या उसी तरीके से फेवर हुआ है देखिए फास्ट बॉलर में ये है कि जो एक्सपीरियंस है और जिस जो वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है वो इन पिचेस पर सक्सेसफुल होगा और मेरा ख्याल है कि जो हैंनरी हैं वो न्यूज़ीलैंड की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसको लीड कर रहे हैं इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं वो मैट हैंनरी इन्होंने लास्ट मैच में भी, भी तीन विकटें ली थी और इस मैच में भी इन्होंने तीन विकटें ली है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ इनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है इन पिचेज़ के साथ कि कहाँ पर वेरिएट करना है कहाँ पर स्लो बॉल करना है किस लेंथ पर बॉल करना है और किस तरह बैट्समैन को रिसीव करना है क्योंकि आपने इस मैच में देखा था इसमें जो मिचर स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के मैच में जॉनसन और रबाडा ने इन्होंने और उसके बाद एक और पार्थी राना है जो श्रीलंकन है ये सार ये चार ऐसे बॉलर जो 90 माइल्स की स्पीड से बॉलिंग करते हैं मगर इन सबको रन्स कंसीड हुए हैं 90 से ज़्यादा इनको रन्स पड़े हैं आ, उसके बाद, ये हैंनरी इनकी पेस उनसे कम है मगर ये वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा है और उसके बाद जो इनकी एवरेज है वो भी इन चारों बॉलर से बेहतर है तो ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट में देखें तो अभी तक जो हैनरी है वो सबसे सक्सेसफुल बॉलिंग यानी फास्ट बॉलिंग में आप अगर वेरिएशन दिखाएंगे तो तब ही आप कामयाब होंगे ले जी आज हमने इस मैच को तो डिस्कस कर लिया आज की ट्रांसमिशन में पोस्ट मैच में हमने और काफी चीजें डिस्कस करनी है यानी जैनब अब्बास का अचानक से इंडिया से दुबई चले जाना क्यों वो चली गई इसको डिस्कस करेंगे साथ ही साथ कुछ इंजरीज के ऊपर हमने बात की थी कुछ हमारे प्लेयर्स की उस हवाले से पीसीबी की जानब से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है उसको भी आज डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और साथ साथ जो वीज़ाज़ नहीं मिल रहे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को और क्रिकेट शायक को उस हवाले से भी एक अपडेट आई आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ ही रहेगा वेलकम बैक नाजीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं पहले अच्छी खबरें आपको दे देते हैं क्योंकि आगे जो खबरें हमने डिस्कस करनी है वो इतनी अच्छी नहीं है आ, अगर आप चाहते हैं ग्रैंड प्राइज़ जीतना तो अभी जाएं स्पाक्स डॉट पी के वेबसाइट पर वहाँ पर जाके स्मार्टफोन या कोई भी मोबाइल एसेसरी अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप ग्रैंड लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल होगा ब्रांड प्राइज़ जीतने का मौका आपको मिल सकता है तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा आप जरा आ जाते हैं जी ख़बरें जो अच्छी नहीं हैं वो ख़बर आई बड़ी अजीब और गरीब किस्म की ख़बर कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट हो रहा है वो मेज़बान है और अपने मेहमान के साथ वो ये सलूक कर रहे हैं कि कोई भी उठ के बंदा आके किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा आप बग़ैर तहकीक के उसको बुली करना शुरू कर देंगे हेरास करना शुरू कर देंगे ना सिर्फ यहाँ पर बात रुकेगी उसको डेथ थ्रेट्स देना शुरू कर देंगे और उस शख्स को उस मेहमान को उस मेज़बान की शरकत की वजह से मुल्क छोड़ कर जाना पड़ रहा है अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है जैनब अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ जिनके खिलाफ कुछ पटिशन दायर की गई और कहा गया जी कि इन्होंने हमारे धर्म की ये कर दी बेइज्जती कर दी ऐसे हो गया दो हज़ार चौदह की कुछ ट्वीट्स की बात की जा रही है

एक ख़ातून के साथ ये किया इन्होंने मेरा ख़्याल है जैनब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है देखें उसके साथ ये कोई भी बदतमीज़ी कर देता या किसी किस्म का भी हादसा होता तो इंडिया ने कहना था क्राउड में से किसी ने कर दिया हम क्या कर सकते हैं मुझे याद है कि जब हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाया करते थे तो आपको याद अब अब हमारा कोई आर्टिस्ट वहाँ नहीं जाता वरना उनके मशहूर बड़े प्रोग्रामों में कपिल के इधर उधर बहुत सारे प्रोग्रामों में हमारे आर्टिस्ट जाया करते थे उनको मारा गया वहाँ आपको पता है उनके साथ बड़ी बदतमीजी की गई थी उनको मारा गया फिर हमने बिल्कुल टोटल वहाँ जाना बंद कर दिया था और मेरे ख़्याल जैनब के बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि उनके साथ भी बदतमीज़ी हुई थी तो ये तो एक मतलब र... रवायत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि, कि जब अगर कभी पाकिस्तान इंडिया आए तो हम पुरानी कोई चीज़ उठा के कह दें कि फ़लाँ बंदे ने ये किया था अब हम इसके खिलाफ अच्छा। और जबकि ये बात की जा रही है आ, ऐसा नहीं था कि जैनब तब से प्रोफेशनली इस तरफ आगे हुई थी तब तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी नहीं थी आ, तब तो उनके करियर का आगाज़ भी नहीं हुआ था ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो ट्वीट्स किए हैं वो साबित हो गए हैं कि उन्होंने किए हैं अभी ये भी एलेज ट्वीट्स हैं यानी कन्फर्म नहीं हुआ कि ये ट्वीट्स उनकी हैं या नहीं है लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ट्वीट थी और वो डिलीट कर चुकी हैं और वाकई अगर थी और वो डिलीट कर चुकी है इसका मतलब कि भाई उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें डिलीट कर दी मगर ये कैसे मगर मेहमान की मेज़बानी करने वाले लोग हैं कि इवेंट कराने होस्ट बड़े बड़े लेकिन अपने मेहमान के साथ ये सलूक मेरे ख्याल में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना वो आई की भी बनती थी कि उनको आईसीसी अभी तक आपके वीज़े अच्छा। तो निकलवा नहीं सका है तो आईसीसी के की क्या रिस्पॉन्स यू गो यही तो बात है कि जब आईसीसी किसी चीज़ पे आपका साथ ही नहीं दे रहा तो मेरे ख़्याल में जैनब ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि ये हमें वीज़े तक तो दिलवा नहीं सकते आईसीसी की इतनी पावर तो है नहीं अगेंस्ट इंडिया के वो हमें वीज़े मिल जाए हमारे लोग नहीं जा सकते आप लोग नहीं जा सकते तो उसने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि उसने कहा कि इससे पहले कि मेरे साथ कोई हादसा हो मैं यहाँ से निकल और मैं तो हैरान हूँ कि इतने कोई वेले किस्म के लोग हैं वहाँ पे कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का उसने जैनब के ख़िलाफ़ जो है जैनब अब्बास के खिलाफ ये सारी आ, को रिसर्च बेस्ड दो हज़ार चौदह से क्या स्टॉक कर रहा था अच्छा तो इसमें तो तो मैं आपको बताता हूँ इसी काल के लिए आप देखें कि ये पुराने जो ट्विट्स पुरानी खबरें निकाली आप देखें जो पोलिटिशियंस हैं दोनों कंट्रीज के या जो आपके ये जो होते हैं डिप्लोमेट्स और उसके बाद जो आपके ये फनकार हैं ये कितने एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं फिल्में बनाते हैं और काफी चीजें करते हैं मगर उसके बावजूद जो इनके जो टूर्स हैं हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, वो चलते रहते हैं कोई इशू नहीं होता कोई किसी के खिलाफ एफ आई आर नहीं दर्ज करवाता या कोई पुरानी चीजें नहीं निकाल के लाता कि ये और अगर ऐसा कोई मामला था तो आपको वीजा ही नहीं जारी करना चाहिए था और आईसीसी आपसे प्रोटेस्ट करते पहले ही कि पैनल में ये नहीं होना चाहिए भाई ठीक है सीधी सी बात है लेकिन जब एक बंदा आ गया है आप उसको डेथ थ्रेट्स दें और उसके बाद वो अपनी जान देखिए हमारे, तो, हमारे टोटल हमारे टोटल कितने बंदे वहाँ पर गए हैं ना आप पाकिस्तान टीम को वीजा सही तौर पर जारी कर रहे हैं वार्म वार्मा ऐसे एक दिन पहले उनको वीजा जारी किया ना आपने किसी जर्नलिस्ट को जारी किया ना आपने किसी क्रिकेट के शायक को वीजा जारी किया ठीक है जो दो चार बंदे वहाँ पे गए हैं बेचारे अपने तौर पे कोई आईसीसी के थ्रू गया कोई कमेंट्री करने के लिए गया वो इतने इनसिक्योर हैं कि आप उनको डेथ थ्रेट्स और उनके खिलाफ एफ आई दर्ज करवा रहे हैं ताकि और उनमें से भी छोड़ कर जा रहे हैं हम तो यहाँ पे उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताऊँ की इंडियन मीडिया में लगातार रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद है उनको कितने ज्यादा डेथ थ्रेट्स मुसलसल जो है वो दिए जा रहे हैं और हमने यहाँ पे मामला टेकअप किया हमारे दफ्तर खारजा कि इनको जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए लेकिन कितना सलीम भाई कितना दोहरा मैं आ रहा है कि अभी वो सनी देओल साहब आए थे हमारे करतारपुर रादारी दौरा करने के लिए कितना प्रोटोकॉल हम देते हैं ना सिर्फ प्रोटोकॉल हमारी आवाम कितना प्यार देती है कितनी और इनकी आप फिल्में उठा के देखें तो पाकिस्तान मुखालिफ है सारी तो हम उस बुनियाद पे क्या कहें कि जी यहाँ पे हमने इनको छोड़ना ही नहीं आके दिखाई एफ आई आर यार, यार हम में और उनमें यही फ़र्क़ है कि हम हमेशा बड़े दिल के साथ इनको वेलकम करते हैं जब भी आते हैं मगर इनका मैंने देखा है कि ये आप अगर आप इनके टी वी देख लें इनकी न्यूज़ देख लें इतना बुरा भला ये पाकिस्तान के बारे में कहते हैं आपको याद है आपने कहा था कि टीम कौन सी जीतेगी तो मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी उसकी रीज़न ये थी कि ये जितना जितनी बुरी बातें हमारे पाकिस्तान के लिए करते हैं एज ए स्पोर्ट्स मैन हम नहीं कर सकते हम कर ही नहीं सकते यार क्योंकि या हम कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स को सियासत के साथ नहीं होना चाहिए हाँ बिल्कुल और हमारी यही कोशिश होती है कि हम ना दोनों चीज़ों को ना जोड़ें लेकिन फिर ये इस तरह की देखें ना आप जो आज एजेंडा में आकर चलते हैं आप देखें कि हमारा जो चेयरमैन पाकिस्तान के अभी इनके जो दो आब, लोग आप मुझे बताएं आपके जो एहसान मानी साहब की जो बात है कि आप देखें एहसान मानी साहब से आपके हमारे अपने हो सकते हैं कि ये काम आपने पहले क्यों नहीं किए लेकिन अब इस सिचुएशन में कि देखें आपके लोगों के साथ वहाँ पे वो क्या सलूक कर रहे हैं तो क्या वाकई आपकी टीम को ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई ना आपके सहाफ़ियों को वीज़ा जारी हुए ना आपके क्रिकेट शायक को वीजा जारी हुए टिकटें आपने सारी भेज है वहाँ पर और अब जो है हमारी टीम वहाँ पर है मैच खेलने के लिए

अजिकार शरफ है उनको अपने घर लेके गए उनको इस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जिस तरह के वो इंडिया का कोई प्रेसिडेंट या इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ पे आ गया और उन्होंने अपने मुंह से तस्लीम किया बदले में आप क्या दे रहे हैं वो बेचारा हमारा चेयरमैन आप उसको वीजा ही नहीं दे रहे आज उसने जो पाकिस्तान का वो फॉरन मिनिस्टर है उसको उन्होंने बताया जी की मुझे भी वीजा इशू नहीं कर रहे तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली पुटअप करें नहीं लेकिन वो ऐसे लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये बस नाम किया है बीसीआई के असल तो जो सेक्रेटरी साहब बैठे ना जय शाह अमित शाह साहब के जो बेटे हैं वो मुझे लगता है बी सी सी आई असल तो वो चला रहे हैं बाकी तो कोई डमीज़ इन्होंने रखी हुई है खैर मूविंग फॉरवर्ड ये तो जाहिर है ये वाली इस तरह की चीज़ें हैं कि हम ये तो रोज़ कोई ना कोई खबर इंडिया से इस तरह की भयानक किस्म की खबर जो है मिस मिस मैनेजमेंट को लेके रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही है और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है जैसे कि इंजरीज़ के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है पीसीबी की जानब से और तीन हमारे बॉलर्स ऐसे फास्ट बॉलर्स एहसान आपके मोहम्मद हसनैन नसीम शाह जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि एहसान की जो इंजरी थी कोहनी में उनको मसला निकला था उनका यहीं पर इलाज कर लिया गया दूसरा उनकी जानब से कहा गया मोहम्मद हसनैन का जब मसला निकला सी पी एल में तो इंग्लैंड में उनका इलाज हुआ तीसरा नसीम शाह का जब मसला निकला शोल्डर का तो उनका जो इलाज है वो कहाँ किया गया ये उन्होंने इस प्रेस रिलीज में नहीं लिखा लेकिन उनका भी इलाज बाहर हुआ सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा आपसे कि ये जो तफरीक है कि अगर इसान की इंजरी होती है तो उनका पाकिस्तान में इलाज होगा लेकिन नसीम शाह की जब इंजरी होगी तो उनको पहले दिन ही बाहर भेज दिया जाएगा तो ये क्यों है देखिए इसमें सबसे पहले आ जाता है शाहन शाह का शाहिन शाह को लेगामेंट इंजरी हुई बिल्कुल अर्ली स्टेज की थी उसको खिलाते रहे साथ और उसको पहले इंग्लैंड लेकर चले गए फिर हॉलैंड के टूर पर वहाँ से दुबई लेके गए चार महीने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट थी आ, उनको पता चला है कि इसका जो लेगामेंट है वो टेंडन से नीचे से इंजर्ड है और अब इसको बगैर ऑपरेट के जो सर्जरी है उसके बगैर इसका इलाज नहीं हो सकता तो फिर वहाँ से उनको वापस पाकिस्तान भेजा फिर वो अपने खर्चे पे वापस गए इंग्लैंड गए अपने वहाँ से शाह अफ्रीदी हाँ, ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑन किया और उनका इलाज शुरू हुआ और हम वर्ल्ड कप उस वजह से हम जो लास्ट वर्ल्ड कप था वो हार गए अच्छा वैसे ठीक है कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिकल एक क्राइसिस तो है लेकिन पीसीबी के मेरा ख्याल है पीसीबी का कोई क्राइसिस नहीं चल रहा जितना पीएसएल से स्पॉन्सर से इधर उधर से पैसे सर कमा लेते हैं ने, तो, ने, तो क्या अपने प्लेयर्स का अच्छा इलाज नहीं करवा सकते और जब करवाने आते भी है तो फिर हाँ यार इतना बार भेज दो करा लो मैं आपको बताऊं जी एक हमारे फास्ट बॉलर गुजरे हैं मोहम्मद जाहिद क्या बॉलर था पाकिस्तान में क्या दुनिया में इतना बहुत तेज़ बॉलर था ना हमारा पाकिस्तान का और ऐसा बॉलर बहुत सदियों में पैदा ही होते हैं रॉफ़ को पता है चूँकि रॉफ़ खुद फास्ट बोल रहे हैं कि वो कितना ख़ूबसूरत उसका एक्शन और कितना खूबसूरत बॉलर था जिसके जिस बारे में लारा ने कहा था कि ये बाकी बोलों से एक गार्ड तेज है हमारे एक पीसीबी के चेयरमैन हुआ करते थे जब वो इंजर्ड हुआ तो वो बेचारा इंग्लैंड में लोगों से पैसे मांगता रहा कि मेरा इलाज करवा दो बैक इंजरी थी उसका इलाज नहीं करवाया गया और उस वक्त ये देखें कितनी बड़ी ज्यादी थी और मैं नाम भी ले देता हूँ उस वक्त माजिद खान साहब थे उन्होंने उनका इलाज नहीं करवाया जो कि मैं आज तक इस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि यार हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा आ, असासा, 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 असासा था।, था मुझे याद है कि श्री हमारा मैच हो रहा था फैसलाबाद में वकार और वसीम दोनों खेल रहे थे इसने बारह आउट किए थे उन दोनों के होते हुए हाँ ईच इनिंग छः छः आउट किए थे और वक़ार और वसीम का बॉल मोइन यहाँ से पकड़ा था और इसका यहाँ से पकड़ा था डेड विकेट पे कितना वो इस लेवल का बॉलर। इस लेवल का बॉलर था और हमारे सिर्फ एक बंदे की वजह से उस पाकिस्तान का इतना बड़ा सासा ज़ाया हुआ था तो ये जो डबल है standard ना स्टैंडर्ड ये पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए देखें जो भी पाकिस्तान के लिए खेलता है ना जो भी प्लेयर है वो छोटा है या बड़ा है ये क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फेवरेटिज़म रऊफ है जो ख़त्म नहीं हो सकती फेवरेटिज़म है जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सलीम मलिक जैसे सबक कप्तान जो हैं वो ये बैठ के इस प्रोग्राम के तवसत से ये बात कर रहे हैं कि फेवरेटिज़म है और ये ऐसा लगता है कि ख़त्म शायद ना हो नाजीन हम एक ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका क्या उसी टीम के साथ मैदान में उतरेंगे या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेंगी क्या कहना है एक्सपर्ट्स का ब्रेक ब्रेक के के बाद त्यार है, त्यार है। back, बाद तैयार तैयार वेलकम बैक नाजरीन एक बार फिर से खुशिया मजीद कहेंगे पाकिस्तान का दूसरा टाकरा होगा कल वर्सेस श्रीलंका अहम मैच हो सकता है क्योंकि हमें याद है जो रिसेंट हमारा मुकाबला था वो था एशिया कप में और पाकिस्तान वो मैच हार गया था श्रीलंका से लेकिन आ, क्या वही हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्योंकि टीम तो हमारी वही है या फिर कुछ चेंज हमें नज़र आएगा एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही मौजूद है उन्हीं से बात कर लेते हैं आ, सलीम भाई पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमने देखा कि प्रैक्टिस आज भी की ऑप्शनल डे था लेकिन आज भी प्रैक्टिस की पाकिस्तान की तरफ से आपने कहा कि करनी चाहिए अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आज अब्दुल्ला शफीक और इमाम को उन्होंने प्रैक्टिस कराई है वैसे फ़खर नदरलैंड के मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया लेकिन आज अब्दुल्ला से भी प्रैक्टिस काफ़ी करवाई है तो आपको क्या लगता है कि वर्सेस श्रीलंका आपको अपना वही स्क्वाड उसी के साथ जाना चाहिए या कोई तब्दीली होनी चाहिए स्क्वाड में देखिए जब आप मैच जीतते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम चेंज करते हैं कोई भी कप्तान होएगा ना और स्पेशली हमारे तो टीम कभी भी अनलेस कि आप बहुत बिल्कुल ही अनफिट कोई प्लेयर हो जाए तो जब ही चेंज करते हैं अदरवाइज बड़ा आपको लगता नहीं हमारे ओपनर जो है जिन जिनपे बहुत ज़्यादा तनकीद भी इसलिए हुई क्योंकि वो परफॉर्म कर ही नहीं रहे उन्होंने वर्ल्ड कप के पहले मैच में नदरलैंड की टीम उसके खिलाफ भी परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ पे तब्दीली बनती है ज़रूरी होगी लाजमी होगी वैसे वो जो आपने कहा ना कि अब्दुल्ला को प्रैक्टिस करवाई गई है तो ये हर प्लेयर अपनी मर्जी से जाके प्रैक्टिस कर सकता है सोलह गेम है कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है मगर हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वैसा ही हो कि शायद उनको प्रैक्टिस इसलिए करवाई गई है कि वो अगला मैच खिलाना हो अगर उन, उन उनके साथ देखें ना प्रैक्टिस दूसरा बंदा कौन कर रहा है इमाम दोनों ओपनर तो <laughs> इमाम फिर ना जाता ना अगर उसने खेलना होता तो इस मतलब ये है कि आप सोलह में से कोई भी जिसका दिल कर रहा है उन्होंने रखा था कि कोई भी जाके जिसको लाइट प्रैक्टिस करनी है वो कर सकता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज करेंगे अली जो आप सोच रहे हो वो होना नहीं है अच्छा जो मैं सोच रहा हूँ वो ना नहीं है ठीक है सलीम भाई को तो लग रहा है कि शायद वही स्क्वाड होगा लेकिन मेरा जहन वहीं पैा हुआ है कि आप फ़खर को अगर इतने चांसेस दे सकते हैं बार बार चांस दे रहे हैं ग्यारह मैच पहले थे और अब हो गए बारह मैच और उन्नीस की भी एवरेज अब नहीं रही है फ़खर की बारह मैचज के अंदर तो जब आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ हो तो फिर आप दूसरे प्लेयर्स को मौका दे दें ठीक है एक दो मैच अगर उनके भी जाते हैं तो ये क्यों होता है कि ऐसे प्लेयर्स को आप बार बार मौका देते हैं लेकिन अगर कोई दूसरा प्लेयर आप लाएँ और एक ही मैच में वो ना चले आप उसको बेंच पर लंबा बिठा देते हैं और दोबारा टीम में नहीं डालते हैं देखिये मेरा इस, इसकी बेसिक वजह यही है कि उनका कॉन्फिडेंस उस प्लेयर पर नहीं होता और मेरा ख्याल है कि यही तो हमारी डिबेट है कि जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं है आप क्यों उनको साथ लेकर जाते हैं आपको कम अज़ कम बेंच स्ट्रेंथ में वो लोग रखने चाहिए जिन पे आपका फुली कॉन्फिडेंस हो कि हम उनको मैच में खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं सेम ये वही पोजीशन है कि जब आपके नसीम शाह इंजर्ड हुए हुए एशिया कप में तो आपका आपका बॉलर बाहर बैठे थे मगर आपका उन उनपे कॉन्फिडेंस नहीं था आपने दो नए बॉलर पाकिस्तान से मंगवाए हैं और ऐसे और लगा, लगा तरह... कि कोई न्यूबीस खेल रहे हैं कि वो पूरी आपकी बॉलिंग लाइन ऐसे लगा लड़खड़ा गई उसके बाद जब नशीन मुझे एक वाक्य याद आ रहा है अगर आप इजाजत दे ये कई दफा ऐसा होता है कि जब आप अच्छा स्कोर नहीं हो रहा होता ना तो आपकी आप, आप ख़ुद नहीं कह सकते कि मुझे ड्रॉप ना किया जाए वो बेचारा इतना अंडर प्रेशर आया होता है कि बारह मैच जैसे आप बता रहे हैं उससे स्कोर नहीं हो रहा तो वो कह नहीं पाता मुझे याद है कि स्कीपर के ज़माने में मंसूर अख्तर हुआ करते थे मंसूर अख्तर पे उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता था और वो हर जो भी करता था वो कहते थे कि ये बड़ा प्लेयर है इसको खिलाना है और मैं मंसूर अख्तर का रूममेट रहा हूँ तो मुझे याद है मंसूर अख्तर का कहता था खुदा के लिए इनको कि मुझे मैच ना मैच ना खिलाए मेरे अच्छा, नहीं खेला जा अच्छा। मतलब अंडर प्रेशर आके ना कि उस बेचारे से स्कोर नहीं हो रहा हर मैच में वो आउट हो जाता था जाके मगर

कई टीम से इन्हें बाहर निकली लेकिन इसमें भाई एक बात है कि जो आपके कंसर्न ना बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो एशिया कप में इन्होंने इमाम को बाहर बिठाया था और अब्दुल्ला शफीक को फ़खर जमान के साथ ओपन करवाई थी और अभी मेरा ख्याल है कि जो कल का मैच है उसमें ये फ़खर ज़मान को ड्राप करेंगे और इमाम के साथ गो के इमाम भी काफ़ी देर से आउट ऑफ फार्म है उन पर भी रन ड्यू हैं वो स्कोर नहीं कर रहे मगर कल के मैच में मेरा ख्याल है कि फॉर्म में नहीं है कि वो एज अ बॉलर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे बैटिंग में उन्होंने हमने लास्ट मैच में देखा कुछ स्कोर तो किया लेकिन उसामा मीर बेंच पे है क्या लगता है सलीम भाई आप कप्तान क्योंकि रह चुके हैं आपके ऊपर ये वक्त आए और आपका पता है कि आपको शादाब कल के मैच में खास तौर पे यही सेम ग्राउंड होगा जहां पे मैच होगा और आज हमने देखा सेकंड इनिंग में भी स्पिनर को काफ़ी एडवांटेज रहा है तो एक अच्छा स्पिनर जो कि ज़्यादा टर्न कर सके बॉल को अच्छी जगह पे प्लेस कर सके मेरा ख्याल है जो हमने वार्म अप मैचेस देखे और शामा मीर ने शादाब से तो ऑब्वियसली बेहतर परफॉर्म किया देखिए अगर आप मुझ पर डाल रहे हैं मैं खुद नहीं बात कर रहा कि मैं अगर मैं होता तो मैं शायद बहुत पहले चेंज कर चुका होता अच्छा क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है देखें ये विजन की बात है आपको एक चीज़ नज़र आ रही है एक बंदे से बॉलिंग नहीं हो रही और आप ज़बरदस्ती उसको टूर करवाए जा रहे हैं तो मेरा ख़्याल है मैं दो टूर पहले ही उसको बाहर बिठा दे ताकि जाके प्रैक्टिस करो फर्स्ट क्लास मैचज़ खेलो अपनी फॉर्म वापस लाओ और फिर टीम में आओ तो ये चीज़ जो है ना ये डिपेंड करता है कि आप स्ट्रॉगली स्टेप लेते हो कि नहीं लेते मेरे ख्याल में आ आपने अभी जो बात की थी ना कि अब्दुल्ला प्रैक्टिस करने आए हैं क्या उसामा आज प्रैक्टिस करने आया शायद हम उसी से अंदाजा लगा लेते <laughs> <laughs> अच्छा तो देखी अब्दुल्ला की देखी उसामा की नहीं देखी वैसे वैसे देखनी चाहिए थी फिर पता चल जाता है की शायद उसामा अगर प्रैक्टिस करने के उसामा से तो वार्म अप मैच में भी बहुत सारी बॉलिंग कराई थी <laughs> शादाब खान को आपने खिलाया नहीं कि एक्सपोज ना हो जाए आपकी बॉलिंग लेकिन देखें जो शादाब खान है उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हुआ कैप्टन ने और जो सबसे बेसिक चीज वही है कि जब जो आपके बेंच स्ट्रेंथ था उस पे कैप्टन कॉन्फिडेंस का कि इतने कॉन्फिडेंस आपका पीछे आपके ऊपर एतमाद जाहिर किया जा रहा है लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज इन द ग्राउंड है

लेकिन ज़्यादा उन्होंने तज्जिया किया है टी वी पर एज एक्सपर्ट स्पोर्ट्स का क्रिकेट का तो वो कहते हैं जी कि बाबर आजम से ज़्यादा इनसिक्योर प्लेयर मैंने नहीं देखा है तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को ये उन्होंने कहा है सिकंदर बख्त कह रहे हैं कि बड़े इनसिक्योर प्लेयर है बाबर आजम कि अब मुझे नहीं सेंस आ रही कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर दुनिया में उसको नंबर वन ओडीआई रैंकिंग कोहली कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो सिक्योर किसको कहते हैं ये पता नहीं उन्होंने किस सेंस में कहा अच्छा थे एक बंदे ने उठ के कह दिया कि अच्छा आप विराट कोहली और बाबर को कंपेयर करना भूल गए उन्होंने कहा वो मैंने इसलिए नहीं किया कि इस वक्त नो डाउट के स्टैट्स अगर आप देखें तो बाबर इज बेटर देन कोहली तो ये वो कह रहे हैं ये देखें बात ये है कि ये देखना ये चाहिए कि कौन बात कर रहा है अगर तो कोई बैट्समैन इस किस्म की बात कर रहा हो ना उसके अंदर बहुत एक ऑर्डनरी से ऑलराउंडर थे जिन्होंने चौबीस पच्चीस मैच खेले हुए हैं हाँ। और आ, आ, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आपने उस प्लेयर के बारे में जो दुनिया जिसके सारी दुनिया तारीफ करती है और पाकिस्तान का नाम है उसके बगैर आपकी टीम कंप्लीट नहीं होती तो मेरे ख्याल में सिकंदर को ये बात करनी नहीं चाहिए थी ऐसी बात किसी

कि यार बाबर इज़ नंबर वन ठीक है बाबर पे तनकीद कर देता हूँ बात तो होगी पे नहीं मेरा ख्याल में मेरा ख्याल में असल में उनको शायद इस चीज़ की सेंस नहीं है कि वो चूँकि ख़ुद फास्ट बॉलर रहे हैं फ़ास्ट बॉलर तो नहीं कहना चाहिए मीडियम पेसर रहे हैं तो वो वो उनको बॉलर्स पर तनकीद करना चाहिए बैटिंग बैटर्स को उस तरह से तनकीद नहीं करनी चाहिए लास्ट मिनट चल रहा जी जल्दी से आपकी प्रोडिक्शन लेनी है पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका कौन मैच जीतेगा देखिए अगर एशिया कप में देखो तो श्रीलंका तो 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 ने जीता <laughs> मगर मैं पाकिस्तान, दिल से तो पाकिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन लग रहा है आपको शायद श्रीलंका भी नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, दूसरा मैच है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश वो पहले शुरू हो जाएगा उसकी प्रडिक्शन अभी जरूरी है इंग्लैंड वर्सेज बांग्लादेश यार इंग्लैंड इंग्लैंड बहुत ही बे बुराई होगी अच्छा इंग्लैंड इंग्लैंड ठीक है डिफेंडिंग चैंपियन इनको लग रहा है जी के इंग्लैंड जीतेगा और दूसरा मैच ऑब्वियसली पाकिस्तान इनशाला जीतेगा दूसरा मैच है वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का पहला जीत चुके हैं दूसरा भी इनशाला जीतेंगे नाजिन आज के लिए इजाजत दीजिए कल मुलाकातों की अल्लाह हाफिज तैयार है